हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आपका गली मैप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे केवी की सब्जी, जिसके अंदर कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, तीनों आपको एक साथ खाने के लिए मिलेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 2 गिलास पानी के लिए हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें कटी हुई केवी ऐड कर देंगे। कढ़ाई पर ढक्कन लगा देंगे ताकि केवी जल्दी से जल्दी बॉईल हो जाए। ढक्कन को हटाकर चेक कर लेंगे केवी अच्छे से बॉईल हो गई है क्या। केवी को हमें बिल्कुल से बॉईल कर देना है कि उसको दबाते ही उसका छिलका अलग होने लग जाए। केवी बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो गई है। अब केवी में से पानी को अलग कर देंगे। अब हम एक बाउल में 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर टोटल पानी जाएगा 1/2 गिलास। अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल का लेंगे। तेल गरम होने पर इसमें 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ को डार्क ब्राउन होने तक भून लेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। मेथी ऐड कर देंगे इसमें। हमने मेथी और कलौंजी डालने से पहले इसलिए फ्लेम ऑफ किया क्योंकि बहुत ही जल्दी जल जाती है, इसलिए फ्लेम ऑफ के अंदर ही हम मसाला बनाए थे वो मसाला ऐड कर देंगे। अभी तक हमने फ्लेम को ऑफ ही कर रखा है, ऑन नहीं किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। मसाले से तेल अलग हो गया है, मतलब मसाला बिल्कुल से परफेक्ट पका है। ये देखिए मसाले में जालियां भी बन चुकी है। अब हमने जो केरी बॉईल की थी वो केरी इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। केरी को हमने मसाले के साथ टोटल 1 मिनट तक भून लिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अभी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, मात्र 2 चम्मच ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 बाउल चीनी का ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लगभग 1/2 गिलास पानी का ऐड कर देंगे ताकि चीनी की चाशनी जल्दी से बन जाए और चीनी जल्दी से केरी के अंदर घुल जाए। अब हम केरी को जब तक भूनेंगे तब तक चाशनी बिल्कुल से नहीं बन जाती, चीनी घुल नहीं जाती बिल्कुल से सब्जी में, इसलिए हम चीनी डालने के बाद इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और केरी को हल्का हल्का सा फोड़ देंगे हम। इससे क्या होगा, सब्जी हमारी बिल्कुल से मेशी बनेगी और बहुत ही टेस्टी, अच्छा स्वाद आएगा इसमें। अब इसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। अगर आपको सब्जी थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप इसमें पानी कम ऐड कीजिएगा। अगर आपको सब्जी बिल्कुल पानी वाली, तरी वाली चाहिए
तो इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। देखिए हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल से तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है हमारी सब्ज़ी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमारे नई सब्ज़ी के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।